Hi student, welcome to RCI Ajuhab online classes. Class 12th AG, subject biology, chapter 3rd. Topic methi, sarson ka moila kit jo hai uska jeevan chakra, life cycle. Dekhenge yahan par sarson ka moila jo kit hai iska jeevan chakra jo hota hai wo मैदानी और पहाड़ी भागों में अलग अलग होता है. मैदानी भाग और पहाड़ी भाग दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है. मैदानों के अंदर इसकी माता जो होती है वो डायरेक्ट शिशुओं को जन्म देती है. शिशु जो होते हैं वो प्रौढ़ में चेंज हो जाते हैं. प्रौढ़ नर या मादा. इस प्रकार से मैदानी भागों के अंदर जीवन काल के अंदर इनकी दो अवस्थाएं ही पाई जाती है. दो अवस्थाएं उपस्थित होती हैं. फर्स्ट शिशु, सेकंड जो होती है वो प्रौढ़. यहां पर माता के द्वारा सीधा शिशु को जन्म दिया गया है इसलिए ये जरायुज होते हैं. वे जीव जो शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं. दूसरा पार्ट आता है यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो मोइला कीट है उसका जीवन चक्र. यहां पर माता जो है पहाड़ी भागों में वो अंडे देती है. अंडे अंडे से शिशु बाहर आता है. शिशु जो होता है वो प्रौढ़ में चेंज होता है. यहां पर तीन अवस्थाएं पाई जाती है जिसमें फर्स्ट अंडे, सेकेंड शिशु और थर्ड अवस्था इसकी प्रौढ़ अवस्था. जहां पर माता के द्वारा अंडे दिए गए हैं ऐसे जीव जो अंडे देते हैं अंडज कहलाते हैं. अंडज कहलाते हैं. अब यहां पर दोनों का सम्मिश्र रूप से अगर बात करें तो सरसों का मोइला जो कीट है वो शिशु भी देता है, शिशुओं को जन्म दे रहा है, साथ में इधर अंडे दे रहा है. तो जरायुज भी है और अंडज भी. तो ऐसे जीव जो अंडे और शिशु दोनों को जन्म देते हैं, दोनों देते हैं, उनको अंड जरायुज, अंड जरायुज. और ये क्रिया जो है वो अंड जरायुजता, अंड जरायुजता कहलाती है. यहां पर भी क्रिया अंडजता और जरायुजता. तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो दो भागों में होता है. मैदानी भागों में अलग और पहाड़ी भागों में अलग. किस प्रकार से होता है ये हमने इसमें देखा है. महू कीट जो है वो सरसों के ऊपर, सरसों के ऊपर जो होता है ये दिखाई कब देता है. तो महू कीट जो होता है ये सरसों के ऊपर नवंबर से दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर यानी कि नवंबर का फर्स्ट वीक और दिसंबर का, सॉरी नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का फर्स्ट वीक, नवंबर का अंतिम सप्ताह और दिसंबर का प्रारंभिक जो सप्ताह होता है उसमें ये दिखाई देने लगता है. मादा कीट जो होता है वो दो प्रकार के शिशुओं को जन्म देता है. यहां से देखेंगे सरसों का मोइला जो कीट है इसकी माता जो होती है वो दो प्रकार के शिशुओं को जन्म देती है जिसमें एक तो होता है फर्स्ट, इसमें है नर से संभोग करने के पश्चात,
दो प्रकार के अंडे देती है, जिसमें फर्स्ट नर से संभोग या उसको बोलेंगे मैथ या फिर निषेचन। पश्चात यानी कि इसमें मादा जो होती है वो नर के साथ मैथुनिक उड़ान भरती है और मैथुनिक उड़ान भरने के बाद निषेचन की क्रिया के पश्चात शिशुओं को जन्म देती है। दूसरे शिशु जो होते हैं वैसे होते हैं जिसमें बिना संभोग के, बिना नर से संभोग के, इसको बोल सकते हैं बिना निषेचन के, बिना निषेचन के शिशुओं को जन्म देती है। बिना निषेचन के शिशुओं का जो जन्म है वो अनिषेकता कहलाता है। अनिषेक जनन या फिर अनिषेकता कहलाता है। इस कीट की शिशु जो होता है, शिशु वो 3 से 7 दिन में, 3 से 7 दिन में प्रौढ़ में बदल जाता है। वो प्रौढ़ में चेंज होने के बाद इस प्रौढ़ के फरवरी माह में पंख आ जाते हैं। फरवरी माह में पंख आने के बाद ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं और प्रौढ़ जो होते हैं वो तुरंत कुछ दिन बाद ही शिशुओं को जन्म देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या जो है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है। मैदानी भाग जो होते हैं, मैदानी भागों में वर्ष में इस कीट की 4 पीढ़ियां पाई जाती है, कई पीढ़ियां बोल सकते हैं इसको, कई पीढ़ियां इसमें पाई जाती है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि मैदानी भागों के अंदर जो माहू कीट है इसका जीवन चक्र के अंदर 2 ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, शिशु और प्रौढ़। शिशु जो होता है 3 से 7 दिन में प्रौढ़ में बदल जाता है और प्रौढ़ तुरंत शिशुओं को जन्म देना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से जो माहू कीट, सरसों का मोयला जो कीट है, उसका जीवन चक्र वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।